आज अश्विन शुक्ल द्वितीय सोमवार 16 अक्टूबर 2023 है। आज द्वितीय विलास है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरण। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी में बड़ा मनोरथ है, इसे अधिक का 56 भोग भी कहते हैं। भावना यह है कि प्रभु श्री जी में नियम का अर्थात घर का 56 भोग वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को ही होता है और केवल मात्र यही 56 भोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में वैष्णवों के अनुरोध पर तिलकायश्री की आज्ञानुसार मनोरथी द्वारा 56 भोग मनोरथ आयोजित होते हैं। इस प्रकार के वैष्णवों द्वारा करवाए जाने वाले 56 भोग को सामान्यतया बड़ा मनोरथ कहते हैं। यह पुष्टि मार्ग की अन्य हवेलियों में भी होते हैं। बड़ा मनोरथ के भाव से श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदन माल मुख्य द्वारों पर बांधी जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी की दो समय की आरती थाली में की जाती है। इस बड़ा मनोरथ के भोग प्रभु को राजभोग के समय अरोगाए जाते हैं, जबकि नियम के घर के 56 भोग के भोग प्रभु को ग्वाल के दर्शन में अर्थात गोपी वल्लभ में अरोगाए जाते हैं। ये भोग मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि में 56 भोग के भाव से साजे जाते हैं। जिस दिन यह मनोरथ होता है उस दिन मंगला के पश्चात सीधे राजभोग अथवा 56 भोग के दर्शन ही खुलते हैं, लेकिन इस दिन भी श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी व शाक घर में सिद्ध किए गए 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अन्न सखड़ी में दाख का रायता एवं सखड़ी में मीठी सेव, केसर युक्त पेठा एवं 5 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात व बड़ी भात शामिल हैं अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही 56 भोग के भाव से विविध सामग्रियां बड़ी मात्रा में प्रभु को अरोगाई जाती हैं जो राजभोग में पधराई जाती हैं। 56 भोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 25 बीड़ा की सिकोरी रखी जाती है। माघ फागुन में यह मनोरथ किए जाने पर राजभोग में गोकर्ण को सबसे खिलाया जाता है। वैष्णवों के मनोरथ पूर्ण होने पर प्रभु को इस प्रकार से लाड़ लड़ाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार
इन दिनों नवविलास की भावना की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज द्वितीय विलास के सहरा के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। और द्वितीय विलास का भावना स्थल व्रज में संकेत वन है। आज के मनोरथ की मुख्य सखी श्री ललिता जी हैं और नवविलास की भावना के तहत ध्रुव बारी के नीचे रास पंचाध्यायी का गायन होता है। तो मुख्य सामग्री आज की खीर है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। द्वितीय विलास की ओर श्यामाजू खेल समस्या आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज सेहरा के भाव की चित्रांकन की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई में संकेत वन में सुंदर लग्न मंडप में एक ओर श्री यमुने महारानी जी और दूसरी ओर श्री स्वामिनी जी सेहरा के श्रृंगार में दृश्यमान हैं, जिनके साथ गोपीजन विवाह के गीत गाते दृश्यमान हैं। खंड पाट पर भी चित्रांकन के ही वस्त्र सजे हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की त्रिष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को धराए वस्त्रों का संयोजन अनूठा और दर्शनीय है, जिसमें प्रभु को सुनहरी जरी के किनारी से सुसज्जित धोती एवं रासपटका धराया गया है। धोती पर प्रभु को रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पीले रंग का खुले बंद का चाकदार वागा धराया है और रुपहरी जरी से ही सुसज्जित पीले रंग की चोली अंगीकार करवाई है। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का परंतु चरणारविंद से थोड़ा ऊपर तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को नीचे पदक, ऊपर हार और इनके साथ कली, कस्तूरी एवं कमल माला धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं।
प्रभु को आज सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित लाल रंग का दुमाला धराया गया है। दुमाला पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है, जिसके ऊपर स्वर्ण में जड़ित हीरों का सुंदर सेहरा धराया गया है, जो मोतियों के फोंदना से सुसज्जित है। बाईं ओर शिशु फूल भी धराए गए हैं। सेहरा के दाईं ओर हीरा तथा मोतियों से सिद्ध की हुई शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई गई हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित पन्ना के मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत लाल पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण श्री मस्तक श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीणा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर दो वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हरे मीणा के और दूसरे स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट राग रंग का सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित और गोटियां भी राग रंग की ही पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी नित्यवत की भांति चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में ए बंसी नाद सुर साध के बजाई, राजभोग में दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, आरती में राधा प्यारी दुल्हन जू को दूल्हा, शयन में दूल्हे देखन जाए अरी, मान के पद में राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, पोड़वे के पद में श्यामा जू दुल्हन दूल्हे को लाल। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर बाल भोग रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग ग्वाल भोग राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला श्रृंगार राजभोग भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि नव विलास के इन दिनों में प्रभु श्रीजी मंदिर के
कमल चौक में स्थित ध्रुव बारी के नीचे संध्या समय कीर्तनकार रास पंचाध्यायी के पदों का गायन एवं पाठ करते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। द्वितीय विलास की ओर श्यामाजू खेल समस्या कीनी, द्वितीय विलास की ओर श्यामाजू खेल समस्या चली संकेत विहार करण बलि पूजा साज संपूरण, चली संकेत विहार करण बलि पूजा साज संपूर्ण, मंदिर देवी गान करत यश, मंदिर देवी गान करत यश आय मिले गिरिधा, ललिता नीवी होली, लीला नी रखत
दास रसिक जन लीला निरखत दास रसिक जन श्री मुख श्यामा बोली द्वितीय विलास कियो श्यामा जू खेल समस्या कीनी द्वितीय विलास द्वितीय विलास द्वितीय विलास कियो श्यामा जू।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।